होता क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं सेंटेंस का डिफिनेशन। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे सार्थक अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब आज देखेंगे हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के कितने प्रकार हैं। इंग्लिश ग्रामर के बहुत बड़े विद्वानों के अनुसार मुख्य रूप से सेंटेंस पांच प्रकार का होता है, कहीं कहीं लोग चार प्रकार के दिखा देते हैं, लेकिन बड़े विद्वानों के अनुसार वाक्य यानी सेंटेंस पांच प्रकार का होता है। पहला सेंटेंस होता है एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और पांचवा जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब एक एक करके इसके विषय में बताएंगे कि एसर्टिव सेंटेंस होता क्या है, एसर्टिव सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं और इसके भी दो प्रकार हैं। पहला है अफर्मेटिव और दूसरा है निगेटिव। एसर्टिव सेंटेंस का पहला प्रकार है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, और दूसरा प्रकार है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य जैसे ही गोज टू हाउस, ही गोज टू हाउस, या सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में एसर्टिव का अफर्मेटिव। अगर निगेटिव सेंटेंस में हमको बनाना है तो वहां वाक्य में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू हाउस। ये रहा एसर्टिव सेंटेंस। अब दूसरे प्रकार का जो वाक्य है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न किया जाता है। दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ऐसे वाक्य में हु, वेयर, व्हाई, व्हाट ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जाता है जिन वाक्यों में वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इंग्लिश में दो तरह से बनता है, जैसे सेंटेंस के पहले क्या शब्द पहले आता है, जैसे क्या वह घर जाता है, इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करना है तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद फिर वर्ब को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, क्या वह घर जाता है, तो इसको हम बनाते हैं तो लिखेंगे डज ही गो टू हाउस। और इंट्रोगेटिव मार्क लास्ट में लगा देते हैं।
क्या शब्द पहले आ गया वहां हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके बना लिया, लेकिन अगर क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है, वह क्या खाता है एक सेंटेंस है, वह क्या खाता है, तो यहाँ क्या शब्द जो है बीच में आया है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे व्हाट डज ही ईट। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसके बनाने में थोड़ा अंतर है, यानी जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए, जिन सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाए, वो वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अब तीसरे प्रकार का वाक्य हम लोग समझेंगे, तीसरे प्रकार का सेंटेंस इंग्लिश में कौन सा है, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव जिसको हम आगे सूचक वाक्य कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा दिया जाता है, आदेश दिया जाता है किसी को और निवेदन भी किया जाता है, ऐसे वाक्य को इंपरेटिव सेंटेंस माना जाता है। जैसे एक सेंटेंस है गेट आउट, बाहर जाओ, कोई बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी को या कोई बड़ा अधिकारी किसी छोटे व्यक्ति को आदेश कर रहा है, लेकिन हम प्लीज निवेदन भी करते हैं इस प्रकार के वाक्य में, जैसे प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी दीजिए, यहां निवेदन के द्वारा अगर हम बोलते कि गिव मी वाटर तो यहां आदेश हो जाए, यानी निवेदन करने के लिए सेंटेंस के पहले शुरू में ही प्लीज का प्रयोग किया जाता है। छोटे लोग बड़े लोगों से कुछ मांगने के लिए या कहने के लिए प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक और निवेदन सूचक वाक्य जो है इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अब चौथे प्रकार का जो सेंटेंस है वह है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जिसे इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है, यानी कहीं जिन वाक्यों में हम अपनी इच्छा व्यक्त करें, अपनी भावनाओं को अंतर्मन की बात को कहें, वो ऑब्जेक्टिव में होता है। इसमें ज्यादातर व्यक्ति को आशीर्वाद दिया जाता है और श्राप भी दिया जाता है। जैसे कहते हैं कि तुम बहुत दिन जियो, तो इस प्रकार के वाक्य को लिखते हैं मे यू लिव लॉन्ग, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि इस सेंटेंस के बाद तुरंत हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयबोधक जो वाक्य होते हैं उसी की तरह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क आपके टीम में तब हटता है जब वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट परिवर्तित होता है। इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में भी इसकी मैं चर्चा करेंगे, मैं करूँगा, जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में इन सेंटेंसेज को बदला जाता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाता है। तो यहां आशीर्वाद दिया गया है मे यू लिव लॉन्ग, बहुत दिनों तक जियो, कहीं कहीं अपराध श्राप भी दिया जाता है किसी व्यक्ति को, जैसे मे गॉड कर्स यू, भगवान आपको श्रापित कर दे, या मे यू गो टू हेल, मे यू गो इन टू हेल, इस तरह का वाक्य जो कि कोई व्यक्ति किसी को श्राप दे रहा है, तुम नरक में जाओ, इस तरह का वाक्य जो है आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के
अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति कि जब अपनी अंतर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति किसी को दुखित कर देता है तो कभी कभी बूढ़े लोग या कोई भी व्यक्ति श्राप दे देता है। तो यहाँ अभिशाप और आशीर्वाद दोनों जो है आप टिटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो है लिखा जाता है और माना जाता है। लास्ट जो सेंटेंस है पांचवा, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, इसे हिंदी में आश्चर्यबोधक शब्द या विस्मादबोधक शब्द भी कहा जाता है, विस्मादबोधक वाक्य। इसमें विस्मादबोधक शब्द, आश्चर्यजनक शब्द शब्दों का प्रयोग होता है। जहां घृणा, सुख, दुख आश्चर्य से कहा जाए, सुख दुख की अभिव्यक्ति आश्चर्य से हो, जहां कहीं किसी को घृणा से कोई बात बोलनी हो या कोई किसी को धिक्कारता हो तो वह सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे पुरना ही ओन द मैच, कोई मैच जीतता है तो बड़े खुशी के साथ जो है लोग बोलते हैं, उसके लिए हुरा शब्द का प्रयोग होता है कि वह मैच जीत गया, बड़े आश्चर्य से लोग बोलते हैं। यह वाक्य जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत है, यानी पांचवें प्रकार का जो सेंटेंस है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जहां आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहां आश्चर्य या विस्मय भरी बातों को बोला जाता है, जहां सुख दुख घृणा और धिक्कार करने वाले जो इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करते हैं और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, फिर जो सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे एलास, दुख व्यक्त कर रहे हैं यहाँ, एलास हर फादर इज डाइड, या हर फादर इज डेड, हर फादर इज डेड। यहां जो है एक्सक्लेमेशन वर्ड हुरा एलास ऐसे वर्ड जो है प्रयोग होते हैं इस प्रकार के वाक्य, जहां सुख दुख घृणा और आश्चर्य व्यक्त किया जाए वह वाक्य जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो ये रहा जो है इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड इट्स एग्जांपल। ये जो है हम लोग आज पढ़े, जो लोग नए होंगे वो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और सभी लाइक करेंगे, मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तभी जो है इसे समझ सकते हैं। ये वीडियो जो है क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है और एक एक सेंटेंस को और एक एक वर्ड को आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो में। थैंक यू।